सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है, और आप बहुत बार ट्राई कर चुके हो, आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, सो आज की जो टूल वेबसाइट है वो 100% to 100% ऑनलाइन अर्निंग करके आपको देने वाली है, ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है इस टूल वेबसाइट की, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ आपको बताने वाला नहीं हूँ, आपको वेबसाइट डायरेक्टली दिखाऊंगा। और इतनी एडवांस लेवल की ये वेबसाइट बनाई है मेरे डेवलपर ने, और ये जो टूल है आज तक ब्लॉगर के ऊपर इतना एडवांस टूल नहीं बना, ठीक है। चाहो तो आप सर्च करके देख सकते हो, नहीं बना। ओके, सो आज का जो टूल है वो है हमारा पिन कोड फाइंडर, ठीक है। और ये जो पिन कोड फाइंडर है वो पूरा का पूरा प्रोफेशनल पिन कोड फाइंडर है। ये आप PHP स्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हो, HTML, CSS, JavaScript में नहीं कर सकते, पर हमने इन तीनों लैंग्वेज के अंदर ये वाला लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। आप देख सकते हो इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। अब बात करेंगे ये वर्क होता है या नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ से ही एक कुछ उठा लेता हूँ, जैसे कश्मीर हो गया, मैंने यहाँ पर डाल दिया, कश्मीर को मैंने पेस्ट किया, सर्च किया। अब कश्मीर का जो कश्मीर नेम से जितने भी पिन कोड हैं यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे मैं यहाँ पर औरंगाबाद ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं डालता हूँ औरंगाबाद, तो औरंगाबाद के जितने भी पिन कोड है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर रैंडमली मुंबई डाल देता हूँ, मुंबई, ठीक है, और यहाँ पर सर्च करता हूँ तो मुंबई रिलेटेड जितने भी पिन कोड है यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसकी डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त है, ये ChatGPT से नहीं बनाया हुआ है। आप ChatGPT से अगर बनवाते हो, ट्राई करते हो, तो एक हफ्ता चलेगा, उसके बाद में वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और इससे आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस घुसने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये नए यूज़र को पता नहीं है, खुद को एक्सपर्ट समझते हैं, IT बैकग्राउंड सैनल, तो समझ लो मैं समझने वाले को इशारा काफ़ी है। ये जो स्क्रिप्ट है, यो SEO एक्सपर्ट ने भी इसे पूरा का पूरा SEO करके आपको प्रोवाइड किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे बाय कर सकते हो। और एक चीज़, अगर आपको ऐसी वेबसाइट एडवांस लेवल की चाहिए SEO के साथ में, तो ₹999 में ब्लॉगर के लिए मैं आप लोगों के लिए ऑफर लेके आया हूँ। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलो अभी आपने ये स्क्रिप्ट अगर बाय कर ली हो तो कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे। चलो एक दो और मैं पिन कोड यहाँ पर डाल के देखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ बिहार, ठीक है, सर्च करता हूँ, सो बिहार के पिन कोड यहाँ पर बहुत सारे हैं भाई, आ चुके हैं। और अब हम यहाँ पर डालते हैं गुजरात। अब गुजरात बेसिकली जितने पिन हैं वही दिखेंगे, ठीक है। अगर गुजरात के अंदर जितने भी स्टेशंस हैं, पोस्ट ऑफिस है, वो अगर आपने सर्च किया तो वो भी यहाँ पर शो होगा। इसका लाइव जो प्रीव्यू है मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ गोवा, ओके, और सर्च करता हूँ, सो गोवा की लिस्ट आ जाएगी। और ये एक सिंगल पेज है भाई, तुरंत रैंक होगा गूगल के अंदर, इसका SEO ऑलरेडी किया हुआ है, पर आपको एडवांस लेवल का चाहिए तो आप बनवा के ले सकते हो मुझसे, ठीक है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, दोनों भी पेज है यहाँ पर। सो ऐसी वेबसाइट काफ़ी जल्दी रैंक होती है, ठीक है। अब बात करेंगे इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो भाई आपको सबसे पहले तो एक ब्लॉग नया बना लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एक नया ब्लॉग क्रिएट करता हूँ, यहां पर मैं डालता हूं पिन कोड फाइंडर, ओके, और इसको हम क्या करते हैं, एड्रेस क्रिएट करते हैं। इसका एड्रेस मैंने यहां पर सेम रखा है, इसका URL ये नहीं मिलेगा मुझे लगता, ठीक है। सो यहां पर डबल आर कर देते हैं हम, और एक बार आर कर देते हैं, सेव करता हूं, तो ये एड्रेस मेरा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। तो देखो इसका SEO कैसे करते हैं टूल वेबसाइट का, तो मैंने एक वीडियो बनाई है टूल वेबसाइट का SEO कैसे करते हैं ब्लॉगर की सेटिंग के अंदर जाके, सो वो आप उस वीडियो को जरूर देखें, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देने वाला हूं मैं, ओके। अब यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है,
इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको आना है थीम के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर आपको नीचे आना है, इस टेम्पलेट को आपको सबसे पहले चॉइस करना है, अप्लाई कर देना है। तो ये एक पहला काम हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो क्लासिक थीम, यहाँ पर क्लिक करके विदाउट अ बैकअप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब जो स्क्रिप्ट आपने बाय की है उसको आपको कॉपी कर लेना है, एडिट एचटीएमएल के अंदर आना है आपको, जितना भी कोड है उसे कंट्रोल ए करके आपको डिलीट कर देना है और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद में हम क्या करेंगे, पीछे आएंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर व्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। सो आपकी जो स्क्रिप्ट है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब ऊपर एक नाव बार आता होगा आपका इस तरह से, इसे आपको बंद करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पर क्लिक करके चेंज नाव बार के ऊपर क्लिक करना है, इसे आपको ऑफ कर देना है। आपका बाय डिफॉल्ट वो ऑन हो सकता है तो आपको उसे ऑफ करना है, रीलोड करना है, सो ये चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो आपकी स्क्रिप्ट यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर एडिट करना है। सो एडिट कैसे करोगे, ये जितने भी वर्ड है उन्हें बस आपको एक बार ऐसे कॉपी कर लेना है, ठीक है, और आपको आना है HTML के अंदर और यहाँ पर कंट्रोल F दबाओगे तो एक सर्च बार यहाँ पर खुलेगा, ये देखो ऐसा, ठीक है। मैं इसे जूम भी कर सकता हूँ, ये सर्च बार है यहाँ पर, यहाँ पर मैं उसे पेस्ट करूँगा जो टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया था, ये लोगो है, ठीक है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो आप उस टेक्स्ट के पास यहाँ पर पहुँच जाओगे, ठीक है। अब इसे मुझे एडिट करना है, अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ, कट कर देता हूँ इसे सबसे पहले, तो यहाँ से ये लोगो है, सो इस लोगो को मैं रखता हूँ यहाँ पर, ओके। उसके बाद में मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, रीलोड करूँगा तो यहाँ पर देखो नेम चेंज हो चुका है। इसी तरह से इसे अगर आपको एडिट करना है तो इसे कॉपी करो, यहाँ पर आओ और यहाँ पर कंट्रोल F करके उसे पेस्ट करो, एंटर करो तो आप उस टेक्स्ट के पास पहुँच जाओगे। आप जो चाहो वो यहाँ पर एडिट कर सकते हो, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट मैं ऐसे ही रहने दूंगा। सो गाइज, इसी तरह से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो और एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही हटके टूल्स लेके आऊँगा। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।